हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ब्रेक, जहां बात करते हैं लाइफस्टाइल, फैशन, ब्यूटी और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने यहां पर कुछ भी चेकआउट नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ डू कंसिडर इट चेकिंग आउट ऑल माई कंटेंट। और अगर आप किसी भी कंटेंट से रिलेट कर सकते हैं या मुझसे अपने आप को रिलेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। तो आज का टॉपिक तो आप जान ही चुके होंगे, मतलब कि हम लोग आज बात करने वाले हैं मेरी ऑफिस किट के बारे में, मतलब वैनिटी किट ऑफिस वाली, और प्लस हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ऑफिस के लिए कैसे डिफरेंट वेज में रेडी हो सकते हैं। तो ये है मेरी किटी जिसके बारे में हम आज अब बात करेंगे इन डिटेल कि मैं क्या रखती हूँ इसमें और आप लोग इनमें से क्या टेक अवे लेके जा सकते हैं, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप ऑन टू द वीडियो। ओके गाइस, टू स्टार्ट विद हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे इस किटी में क्या है। ये बहुत एक छोटू सी किटी है, इसमें बहुत ज़्यादा सामान नहीं है मैंने जो डाला हुआ है। तो इस किट में वैसी वो वाली चीज़ें हैं जो जैसे हम ऑफिस से किसी पार्टी पे जा रहे हैं, वेदर दैट इज़ अ डे पार्टी और अ नाइट पार्टी, तो मैंने उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें अपने इसमें डाली हुई हैं। बट ये जो चीज़ें सब हैं मैं एक्चुअली उनको डेली बेसिस पे नहीं यूज़ करती हूँ। डेली बेसिस में मैं, आप जो मुझे देख रहे हो, मैं ऐसे ही जाती हूँ। बट इसमें एडिशन क्या होगी, काजल और लिपस्टिक का एडिशन होता है, न्यूड शेड्स आई यूजुअली ट्राई, और अगर मैं इंडियन एथनिक वेयर में हूँ तो मैं यूजुअली आई विल ट्राई टू गो लिटिल बोल्ड ऑन द कलर्स। तो या सो दिस इज़ वॉट इज़ देयर। मेरे पास ये शुगर पॉप का एक ब्राउ पेंसिल है, इसमें स्पोली है, एंड देन यू हैव दिस इज़ इन दिस कलर, आई रियली लाइक द कलर ये। सो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई हैव इन माई किट। द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इन माई किट इज़ अ मस्कारा। बट एनी वेज, इन जनरल मुझे लगता है कि हम लोग को वाटर प्रूफ मेकअप नहीं यूज़ करना चाहिए। अगर आप यू नो एक छोटी सी पार्टी में जा रहे हो जहाँ पर आपको पता है आप भीगोगे नहीं या बहुत गर्मी नहीं होगी, तो आई थिंक यू कैन गो विद समथिंग विच इज़ नॉट वाटर प्रूफ, क्योंकि उतारना बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। तो दिस इज़ वॉट इज़ माई किटी राइट नाउ। द नेक्स्ट थिंग विच आई हैव इज़ अ बेसिक काजल। तो मैंने ये शुगर का काजल लिया हुआ है, दिस इज़ ट्विस्टन शाउड फेड प्रूफ काजल, दिस इज़ इन ब्लैक वेलवेट कलर, सो दिस इज़ अ कलर आई हैव। तो आप कोई भी काजल ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो इसके अलावा आई हैव अ ब्लैक लाइनर इन माई किटी, सो दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। उसके अलावा दिस इज़ समथिंग विच आई हैव डिस्कवर्ड, मतलब नॉट न्यूली, 2 years back। सो ये ना एक्चुअली स्टूडियो वेस्ट का एक आई शेडो पैलेट है, ये न्यूड में है। ये थोड़ा सा इसलिए ऐसा हो चुका है क्योंकि मेरी डॉटर के हाथ में लग गया था, बट दिस इज़ लाइक रियली वेरी हैंडी। वन इज़ इट इज़ स्मॉल, और इसको आप आई शेडो की तरह यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हाईलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग विच आई यूजुअली कीप इज़ अ परफ्यूम, एनी थिंग यू कैन कीप। मतलब मेरे पास ये एटर्निटी का, एटर्निटी दिख रहा है क्या, हाँ या तो दिस इज़ बाई एटर्निटी। अनदर थिंग विच यू कैन ट्राई इट आउट एक्चुअली इज़ यू नो कामा का, दिस इज़ अ रोज मिस्ट बाय कामा, सो दिस इज़ दिस एक्ट्स लाइक अ फेस मिस्ट, एज अ बॉडी मिस्ट, एनी थिंग टू प्रोवाइड यू इंस्टेंट हाइड्रेशन टू योर फेस। तो ये बहुत हैंडी रहता है। इसके अलावा आई यूजुअली कीप यू नो लाइक दिस सम 3 or 4 लिपस्टिक्स। तो मैंने बेसिकली क्या किया, अगर आप देखेंगे आई हैव रेड कलर, आई हैव अ पिंक कलर, आई हैव अ न्यूट कलर। ओके, द लास्ट आइटम विच आई हैव इन दिस किट इज़ अ कॉम्पैक्ट। तो आपका जो भी एक स्किन कलर का कॉम्पैक्ट होगा आप वो रख सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप है कि हम लोग अभी रेडी होते हैं यूजिंग दिस यू नो एलिमेंट्स, एंड आई शो यू एवरीथिंग। जो भी मैं रेडी होंगी ना वो बेसिकली यूजिंग दिस मिरर होंगी। सो हम लोग सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज हम लोग ये कॉम्पैक्ट लेंगे। तो ये लैक्मे का एब्सोल्यूट कॉम्पैक्ट है। यूजुअली हाउ आई डू इज, मेरा एक कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मतलब मेरे टी जोन्स यू नो आर ऑयली, बट अदर देन दैट एवरीथिंग इज ड्राई। तो मैं हाउ आई डू इज आई जस्ट यू नो टेक अ लिटिल बिट एंड देन आई जस्ट पुट इट। सो या आई एम डन विद द कॉम्पैक्ट। सो द नेक्स्ट स्टेप नाउ इज गेटिंग माई ब्राउज डन। ओके, ब्राउज के लिए यू नो यूजुअली वॉट वी डू इज वी गेट, मतलब यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, एक यहाँ पर ऊपर लाइन लगाते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कंसीलर नहीं है और ना ही हम लोग के पास फाउंडेशन है, ना ही हमारे पास कोई टूल्स हैं, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट फिल इन द स्पार्स स्पेसेस यू नो बाय गिविंग स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स। सो दिस इज व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट गिव स्मॉल 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 स्ट्रोक्स एंड यू नो। एक्चुअली आप ब्राउज जब बनाते हो राइट, इट मेक्स अ लॉट ऑफ एक्चुअली डिफरेंस। मतलब
मैंने देखा है यू नो आई मेकअप, एक्चुअली आई मेकअप इन जनरल यू नो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन हाउ यू लुक. तो एक सिंपल सा लुक भी बहुत एलिगेंट, बहुत स्मार्ट और क्लासी हो सकता है इफ़ यू हैव अ राइट आई मेकअप इन प्लेस. सो नाउ इफ यू सी राइट, सी हाउ डिफरेंट दिस एंड दिस इज. सो आई हैव डन दिस नाउ यूजिंग दिस स्पूली राइट. आई विल जस्ट यू नो ब्लेंड दिस एंड गो. तो या I am almost done. Yeah, you see how much difference it creates. So मैं off the camera second वाला करके आती हूँ. Quickly I'll do it. Yeah guys, so I'm done with my brows. So you see how much difference it has created. तो the next step is to get this eyeshadow palette. So basically I open this eyeshadow palette. I don't have any concealer on my eye, so I don't want to. मतलब मैं बहुत ज़्यादा मेकअप करके उसे बहुत डिफ़िकल्ट नहीं बनाना चाहती. तो इसी किट में यू विल गेट दिस एप्लीकेटर एज वेल. तो मैं इस एप्लीकेटर की ही मदद से, बिकॉज आई एम वेयरिंग अ रेड टॉप, आई जस्ट वॉट आई डू इज आई जस्ट यू नो पैट इट हियर. दैट्स आई जस्ट डू इट वेरी मिनिमल. आई डोंट वॉन्ट टू डू इट ओवर. आई डोंट वॉन्ट टू ओवर डू इट. तो हमको एक बहुत ही ऑफिस वाला यू नो हमको गॉडी सा चमकीला, मतलब यार यू नो व्हाट आई मीन, वो वाला एक लुक नहीं चाहिए. तो यू सी दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. बहुत ही मैंने मिनिमल सा किया. अगर आप ब्रश यूज़ नहीं भी करना चाहते, अगर आप ब्रश यूज़ नहीं भी करना चाहते तो यू नो यू कैन जस्ट डू इट लाइक दिस. Okay, now to add a little pop, what I'll do is I'll just take a very small amount of the red one and I'll add it here. That's all I do. So yeah, this is how my eye makeup looks like. बहुत ही minimal सा किया है. And apart from that, what I usually do is you know आप ऊपर वाली वाटर लाइन पे भी काजल लगाएं, वो आपकी आंखों को एक इंस्टेंट बोल्ड लुक देता है. सो यू सी हाउ मच डिफरेंस इट इज़ क्रिएटेड. आई हैव पुट इट एंड दिस इज़ नॉट विदाउट. बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ जाता है जब आप. सो या सो आई एम डन विद माय आईज. आई एम नॉट डन विद माय आईज. आई जस्ट पुट अ मस्कारा ऑल्सो नाउ. ज़्यादा प्रिटी लगते हैं जब आप अप्लाई करो. सो या गाइज, दिस इज़ वॉट आई डन टू माई आईज एंड आई थिंक आई एम डन. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट आई विल डू इज़ यू नो आई वॉन्ट टू गिव अ लिटिल पॉप टू माई चीक्स. तो मैंने ये जो लिपस्टिक जो ख़त्म हो चुकी थी वो लिपस्टिक ली है और मैं क्या करूँगी, आई विल जस्ट डॉट 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 एंड आई हैव समथिंग ऑन माई चीक्स ऑल्सो नाउ. ओके, अभी क्या करने वाली हूँ इस पैलेट में से, आई एम गोइंग टू टेक दिस मिडल वन. ओके, एंड आई जस्ट टेक अ लिटिल बिट मीन्स वेरी लिटिल बिट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट हियर. So yeah, this is what I will do if I have to give it a little more pop to my face. I'm done with this one. The next thing is to get a lipstick. So right now I'm using a Naughty Nude by Nykaa, 11M Naughty Nude. So main red top pehen rahi hu. Main usually, so guys, one tip for you is if you're wearing any bright colors, right, don't go with the same lipstick. For example, अगर आप रेड पहन रहे हैं और आपके रेडी कलर के स्लिपर्स हैं यू नो, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रेड हो चुका है. तो अ टिप फॉर यू इज़ ऑलवेज गो फॉर पिंक. पिंक न्यूड कलर्स आर समथिंग विच बेस्ट सूट्स एवरीबडी इंडियन स्किन टोन्स एंड अदर देन दैट ये सब पर अच्छे भी लगते हैं. ठीक है, तो आई विल गो विद अ पिंक. और द लिपस्टिक विल विच यू विल चूज फॉर So yeah,
दिस इज़ व्हाट आई हैव डन. सो गाइज, एक जो टिप मुझे आपको देनी है, जो लिपस्टिक आप लोग चूज़ करेंगे राइट अपने चीक्स के लिए, तो ट्राई कीजिए वो बहुत ज़्यादा मैट नहीं हो. तो ऐसा नहीं हो कि लगाने में बड़ी तकलीफ हो रही है यार, तो ये फैलेगा कैसे, ठीक है, तो उस स्टेट में नहीं जाना है. तो समथिंग विच इज़ लिटिल ग्लॉसी. और अगर आपके कभी किसी फ्रीबीज में ग्लॉसी लिपस्टिक आ भी जाए, पुट अ टिश्यू पेपर ऑन योर माउथ एंड जस्ट यू नो, अगर आपके पास कॉम्पैक्ट पाउडर है अवेलेबल अपने ऑफिस में, ऑफिस से कहीं जा रहे हो तब कॉम्पैक्ट पाउडर अवेलेबल है तो जस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर को लगा लीजिए एंड यू विल बी डन. यू नो दैट रियली, और कभी कभार यू नो वो कलर्स इतने अमेजिंग कलर्स हो जाते हैं कि आपको वो बार बार चाहिए रहते हैं. तो आई थिंक वो आपके लिए सेट रहेगा. तो सो नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू डू इज आई एम जस्ट गोइंग टू यू नो आई एम जस्ट गोइंग टू सो दिस फील्स फ्रेश. अभी ऑफिस में हैंड फैन तो होगा नहीं, तो हाथ को ही फैन बनाइए और जस्ट ब्लेंडेड 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 एंड यू आर डन. तो आपको कभी भी हाइड्रेशन की ज़रूरत हो तो दिस वर्क्स रियली बेस्ट एंड देन यू कैन यूज़ इट एज वेल एज द फेस बॉडी मिस्ट एज वेल. बट क्योंकि मेरे पास अभी ये एटर्निटी का है तो दिस इज़ अ रोल ऑन, सो दिस इज़ अ रोल ऑन. तो आई जस्ट रोल इट ओवर माई हैंड्स एंड माई नेक एंड आई एम डन. अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यूजअली okay guys, so the next thing is I usually don't go too gaudy on my earrings as well whenever I'm in office. तो मेरे पास ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मेरे बैग में पड़ी रहती हैं, not in this magnetic kit of course. तो ये कुछ छोटे छोटे earrings होते हैं जो कि मैंने local market से ख़रीदे हुए हैं, तो ये usually पड़े रहते हैं. so if you want to you know add a little more pop to it, you can you know wear a good earrings or whatever you like. Okay guys, this is what I wanted to show. So you see how simple this look is and you are done in less than 5 minutes and using a mirror which is your own. Nobody can say yaar thoda side ho ja, mujhe bhi karna hai, to aisa kuch nahi hoga. तो या गाइस, सो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इस लुक में कोई फाउंडेशन नहीं है, कोई कंसीलर नहीं है, कोई ऐसा हैवी ड्यूटी मेकअप नहीं है जिसको आपको रिमूव करने में उसके बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो. एंड वन मोर टिप फॉर ऑल ऑफ यू इज़ यू नो यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर स्किन. अगर आपकी स्किन बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश है, बहुत यू नो आपने उसकी इतनी ज़्यादा आपने उसका उसको पैम्पर किया हुआ है, इट विल जस्ट यू नो I hope you like this video. If you like this video and you find it useful, मतलब आप अपनी किट में क्या रख सकते हैं, क्या छोड़ सकते हैं, तो please give it thumbs up and also subscribe this channel. घंटी का button click करना मत भूलिएगा ताकि हम ये all good information अपने friends और family के साथ भी share कर सकें. तो hope to see you in the next video. Don't forget to click a thumbs up if you like it. Bye.